जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम हम इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है टार्चर ही तो है तशद ही तो है रूहानियत के नाम पर भी टार्चर है रिलीजन के नाम पर भी टार्चर है दुनिया में जो काम भी कर रहे हैं वो टार्चर ही नहीं तो और क्या है देख लें जो हम कुछ भी करते हैं मजबूरी में करते हैं हमें करना पड़ता है किसी खौफ की वजह से या किसी ख्वाहिश की वजह से करते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे खौफ है ख्वाहिश है इसलिए जिस चीज़ के पीछे भी खौफ होगा या ख्वाहिश होगी उससे बेसकूनी मिलेगी जो है वो सुकून ही मिल सकता तशद ही मिलेगा टॉर्चर ही मिलेगा इबादत करने में भी पैशन नहीं है वाक कर रहे हैं या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं वो भी करना पड़ रही है पैशन नहीं है उसके पीछे नौकरी करनी पड़ रही है बिजनेस करना पड़ रहा है हमारा एक्ट मजबूरी की वजह से है कहीं पैशन इन्वॉल्व नहीं है इस तरह हम मैकेनिकल हो गए हैं वी द पीपल आर मैकेनिकल। पढ़ना पसंद नहीं है पढ़ना पढ़ रहा है नौकरी पसंद नहीं है लेकिन नौकरी करनी पड़ रही है दिस इज़ द रीज़न वी हैव बिकम मैकेनिकल इंसान की ये बॉडी मिरर जैसी है इस इस मिरर से ही दुनिया जो है वो नज़र आती है इस मिरर से दुनिया में जो कुछ हो रहा है जो कुछ इस बॉडी के सामने आ रहा है ये दिखा रहा है दिस बॉडी इज लाइक अ मिरर सारी दुनिया हमें कौन दिखाई देती है ब्रेन में ब्रेन जिसमें मिरर जैसा है इंसान कहाँ जान रहा है बाहर दुनिया है ब्रेन क्या है थॉट्स का घर ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं ब्रेन में थॉट्स जा रहे हैं चाहे आंखों से जो आप देख रहे हो दिख रहा है जो कुछ इसके थाट्स या मेमोरी में, में जो रिकॉर्डिंग पड़ी है इसके थाट्स ये जो थाट जिसके आने जाने को जो जान रहा है थाट्स के आने जाने को जो जान रहा है या जो मेमोरी में, में, में पड़ी हुई पड़े हुए रिकॉर्डिंग को जान रहा है वो वो कौन है वो मैं हूँ वही कॉन्शियसनेस है वही अवेयरनेस है ब्रेन में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ का हमें पता है अब ब्रेन में क्या है अब क्या नहीं है अब क्या दिखाई दे रहा है अब क्या दिखाई नहीं दे रहा ये कौन जान रहा है यही तो अवेयरनेस है यही तो कॉन्शियसनेस है यही तो आप हैं यही तो मैं हूं यही तो तुम हो यही तो सारी इंसानियत है इंसान थाट्स के होने को भी जान रहा है थॉट्स के ना होने को भी जान रहा है गहरी नींद का इंसान का एक्सपीरियंस कोई इल्यूजन तो नहीं है कोई बिलीफ तो नहीं है हम क्या कहते हैं गहरी नींद थी यार ना ख्वाब थे ना कुछ और था ना ख्याल थे ये कौन जान रहा था कि ना थार से ना ख्याल थे ये आप जान रहे थे ये अवेयरनेस जान रही थी यही आप हो यही अवेयरनेस आप हो इंसान गहरी नींद में बॉडी को भी ट्रांसेंड कर जाता है मतलब इस बॉडी में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है वो अपने असल रूप में चला जाता है इंसान का हकीकी रूप क्या है कॉन्शियसनेस अवेयरनेस गहरी नींद में इंसान कॉन्शियसनेस होता है अवेयरनेस होता है वो इस बाडी को जो कि एक मिरर जैसे इसे भी भूल जाता है ध्यान से इस इस इस, इस बॉडी को देखो इस शीशे से देखो ये शीशा जो तुम्हारा तुम्हारा जिसम है इससे दुनिया को देखो ध्यान से ध्यान की वजह से ही तो स्ट्रेस है टेंशन है परेशानियां हैं ये जो हमें कहते हैं कि ध्यान दो फोकस करो क्या है मसाइल हम इंसान जब किसी ख्याल किसी दूसरे शख्स या और दौलत पाने की धुन में अपनी सारी एनर्जी दे लगा देते हैं सारा ध्यान लगा देते हैं इसी वजह से ही तो स्ट्रेस है इंसान का नाम एक जगह इंसान का नाम जो है वो एक जगह देखना नहीं है इसकी साइट हर जगह है इंसान एक जगह पे नहीं देख रहा कॉन्शियसनेस एक जगह पे नहीं देख रही साइट हर जगह है मजबूरी में या कुछ पाने की खातिर हर जगह से नज़र हटाकर हम एक जगह पर ले आते हैं इसी का नाम सफरिंग है इंसान जिन आँखों से देख रहा है आई साइट से जो कुछ भी इंसान देखता है वो साइट हर जगह है साइट कब लिमिटेड होती है जब भी कुछ नज़र आया नज़र वहाँ जाकर लिमिटेड हो गई हकीकत में ऐसा नहीं हुआ लेकिन सेंसेस ऑफ लिमिटेशन आ जाती है जब इंसान ख़ुद को भूल कर हल्हे इस दुनिया में लगा रहेगा लम्हे कुछ ना कुछ पाने की तगो दौ में लगा रहेगा लम्हे किसी ऑब्जेक्ट के पीछे दौड़ता रहेगा पागल होता रहेगा तो कैसे इसे मालूम होगा कि वो अवेयरनेस है या कॉन्शियसनेस है फिर तो वो परेशान ही रहेगा स्ट्रेस में ही रहेगा हम कुछ पाने के लिए हल्हे एफर्ट ही तो कर रहे हैं यही एफर्ट है ना कि जिसके लिए कुछ करना पड़ रहा है हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ न कुछ हमें चाहिए इसके लिए क्या करते हैं हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं हर वक्त सोच रहे हैं इसलिए स्ट्रेस है मैं हूँ इसके लिए कौन सी कोशिश है कौन सी स्ट्रेस है कौन सी एफर्ट है मैं कॉन्शियसनेस हूँ मैं अवेयरनेस हूँ इसके लिए कौन सी एफर्ट चाहिए कुछ भी नहीं मुझे कॉन्शियस बनना है इसके लिए एफर्ट चाहिए मुझे अमीर बनना है इसके लिए एफर्ट चाहिए मुझे खरबपति बनना है इसके लिए एफर्ट चाहिए मुझे नौकरी चाहिए इसके लिए एफर्ट चाहिए मैं सोचूंगा सोचें ना हम क्या कर रहे हैं हर वक्त मसायल में क्यों हैं हर वक्त दुखी और परेशान क्यों हैं हर वक्त स्ट्रेस में क्यों हैं इसके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ हम सोच रहे हैं जब भी देखें आप हर वक्त us... कुछ ना कुछ सोच रहे हैं हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं हर वक्त किसी कुछ शिकस्त देने के लिए जो है ना वो प्लानिंग बना रहे हैं ये मसाइल ये मसाइल है यही टेंशन है कुछ है जिसके बारे में सोचे चले जा रहे हैं हर वक्त कुछ करने के लिए सोचे जा रहे हैं कुछ पाने के लिए सो सोचे जा रहे हैं या जो कुछ करना है इसके बारे में सोचे जा रहे हैं इसी का नाम स्ट्रेस है इसी का नाम टेंशन है इसी का नाम परेशानी है परेशानी और है क्या कुछ भी तो नहीं मैं हूँ इसमें क्या परेशानी है मैं कॉन्शियस कॉन्शियसनेस में इसमें क्या परेशानी है दुनिया में हमें अच्छा दिखाई दे रहा है तब भी परेशानी है दुनिया में हमें बुरा दिखाई दे रहा है तब भी परेशानी है हर वक्त डर है और खौफ है कुछ पाने का की ख्वाहिश है उसके खोने का खौफ भी है हर वक्त हमें कुछ पाने की ख्वाहिश है कुछ टच करने की ख्वाहिश है ये कितनी खूबसूरत लड़की है मेरी बीवी बन जाए इस इंसान के पास बेतहाशा पैसा है काश मैं भी इतना अमीर बन जाऊँ इसके लिए क्या करते हो पर सोचते हो एफर्ट करते हो मुझ सोचते चले जाते हो ये भूल जाते हो कि तुम्हारी हकीकत क्या है वाट इज़ योर रियलिटी ये भूल जाते हो कि तुम्हारा असल रूप क्या है करो एफर्ट लेकिन अपनी कहानी भी तो देखते रहो कि तुम हो कौन हमारे दिमाग में जो भी थाट्स चल रहे हैं वो कौन से हैं वो जिन थार से हम जान छुड़वाना चाहते हैं वो थार जो हमें तकलीफ़ देते हैं जो हमें नापसंद है वही थॉट्स चल रहे हैं जो हमें थार्स पसंद होते हैं वो कहाँ चलते हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है इसलिए हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है वो थार्स ब्रेन में ज़िंदा है जो हमें नापसंद है इसी वजह से कि को वो पसंद नहीं है इंसान कब अवेयरनेस को छू छूता है कब हल में जो है वो कॉन्शियसनेस हो जाता है जब वो एफर्ट करना बंद कर देता है जब वो इनडिफरेंट हो जाता है थॉट्स आ रहे हैं थॉट्स जा रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा थॉट्स आ रहे हैं रुक रहे हैं और निकलने का नाम नहीं ले रहा तब मसाला हैं थॉट्स है। आ रहे हैं इस दिमाग में थॉट्स जा रहे हैं कोई बात नहीं थॉट आया कि वो अमीर है मैं गरीब हूँ मैंने अमीर बनना इसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो मुसलसल सोचे जा रहे हो यह मसला है थार्ट्स आ रहे हैं था जा रहे हैं शीशे पे इसकी मिरर जो है ना इस शीशे पे आ रहे हैं जा रहे हैं फिर कोई मसला नहीं है थॉट्स आ रहे हैं रुक रहे हैं और निकलने का नाम नहीं ले रहे तब मसाला है क्यों ये थार्ट्स फंसे हुए हैं क्यों नफरत नहीं निकल रही किसी से आपको नफरत है मुसलसल सोचे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है क्या आप उसे अहमियत दे रहे हैं उस ख्याल को सालों बीत जाते हैं किसी के ख़िलाफ़ हमारी नफरत नफरत नहीं निकलती हम बीस साल के थे किसी से नफरत हुई और अब पचास साल के हो गए नफरत है कि बढ़ती जा रही है सोचे क्यों इस दुनिया में इस पूरी कायनात में इस जिसम के अंदर इस जिसम के बाहर सिर्फ अवेयरनेस ही है कॉन्शियसनेस ही है कॉन्शियस के सिवा कुछ भी नहीं है कायनात कॉन्शियस के अलावा कुछ नहीं अंदर बाहर जरा जरा कॉन्शियसनेस ही है और वही मैं हूँ और वही आप हैं और यही कॉन्शियसनेस मेरा रूप है यही कॉन्शियसनेस आपका रूप है खुदा कहाँ है हर जर्रे में बॉडी के बाहर भी है बॉडी के अंदर भी है सारे जहान में है सारी दुनिया में खुदा ही कॉन्शियसनेस है तो तुम कौन हो उसी खुदा का हिस्सा हो तो तुम क्या कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम कॉन्शियसनेस हुए तो तुम्हारा क्या रूप है कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस होने के बावजूद क्यों परेशान हो इसी कॉन्शियसनेस इसी अवेयरनेस का नाम इंसान है इसी का नाम अवेयरनेस है इसी का नाम साउंड ऑफ साइलेंस है इस बॉडी में क्या है मैं मेरी है और जो सेंसेस के थ्रू दिखता है वो है इसके अलावा इस बॉडी में क्या है कुछ भी तो नहीं है ये दो चीज़ें ही हैं ना बॉडी में इसके अलावा और कुछ है कुछ है तो दिखाओ कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज़्यादा इस, इस बॉडी की सलाहियत नहीं है कैपेसिटी नहीं है जिसम की यही सलाहियत है इसका सामने जो है वो दिखा सकता है या इसमें जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है मेमोरी में, में वही कुछ दिखा सकता है बॉडी में पाँच से पाँच सेंसेस हैं इसके थ्रू कुछ होगा तो वो हमें नज, नजर नज़र आ जाता है वो हमें मालूम हो जाता है या जो कुछ हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उसके होने का पता हमें चल रहा है इसके अलावा बॉडी क्या कर सकती है यही कुछ कह सकती है तो बॉडी कैसे हो सकते हो तुम जो इसमें देख रहा है वो हकीकत है जो देख रहा है वो मैं हूँ जो सेंसेस और मेमोरी से दूर है परे है जो सेंसेस को भी देख रहा है मेमोरी को भी देख रहा है बस देखे जा रहा है उस चीज़ की फितरती नेचर ही देखना है वो मैं हूँ वो मेरा रियल रूप है कॉन्शियसनेस ही मेरा असल रूप है आपका असल रूप है इंसान का असल रूप है जो भी सेंसेस के थ्रू देख रहा है जो भी रिकॉर्डिंग मेमोरी में पड़ी है और देख रही है ये मैं नहीं हूँ ये बाडी है ये सब बॉडी के अंदर है आप सोचें कि मिरर किसके अंदर है ये बॉडी किसके अंदर है खुदा जो है वो मेमोरी नहीं है इंसान मेमोरी नहीं है कॉन्शियसनेस मेमोरी नहीं है इंसान मेमोरी नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस मेमोरी नहीं है Senses जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं है मैं सेंसेस नहीं हूं सेंसेस मेरी वजह से हैं ये सारी दुनिया एक बॉडी ही है जिससे हम देख रहे हैं इस पूरी कायनात को इस पूरी दुनिया को एक बॉडी देखो जो कुछ भी हम देख रहे हैं सोचो कि इस बॉडी से ही देख रहे हैं फिर इस पर इतरा रहे हैं जो सेंसेस पर खड़ी है ये सारी दुनिया किस में एग्जिस्ट कर रही है कॉन्शियस कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस की वजह से इस दुनिया कायनात का, का वजूद है ये इसमें देखने वाला ही ना हो खुदा ही ना हो तो कहाँ है इसका वजूद कॉन्शियस ही ना हो इंसान ही ना हो खुदाई ना हो कॉन्शियस ही ना हो कहाँ है फिर इस दुनिया का कायनात का जहानों का वजूद कहाँ है इस दुनिया का वजूद कहाँ है इस इस मिरर का वजूद कहाँ है इस जिसम का वजूद इस जिसम रूह ही ना हो क्या है इसका वजूद क्या है इसकी औकात ये दुनिया ऐसे में एग्जिस्ट कर रही है जो सेंसेस से पड़े है किसी ऐसे में है जिसका मेमोरी से कोई वास्ता नहीं है जिसे थॉट टच नहीं कर सकता थॉट का होना हमारे होने की वजह से है हमको होने के लिए किसी थॉट की जरूरत नहीं है थॉट को होने के लिए हमारी ज़रूरत है कॉन्शियस नहीं है कहाँ है थॉट फिर मैं नहीं हूं कहाँ है थॉट लेकिन ऐसा नहीं है कि थॉट नहीं तो मैं कहाँ हूं इस बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए किसी सब्सटेंस की ज़रूरत है सब्सटेंस है जो अनटच्ड है जो फॉर्मलेस है वो है कॉन्शसनेस वहू में एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो समंदर में तैर रहा है समझो ये आपकी बॉडी है समंदर में बहुत कुछ है बुलबले हैं लहरें हैं बर्फ़ के लामहदूद और टुकड़े हैं बर्फ़ का ये टुकड़ा किसका बना हुआ है पानी का है इसका वजूद क्या है पानी है पानी की वजह से इसका वजूद है पानी को इसकी ज़रूरत नहीं है पानी को इसकी ज़रूरत नहीं है इसको पानी की ज़रूरत है इस बर्फ़ के टुकड़े में सारी फॉर्म्स नज़र आ रही हैं बर्फ़ भी नज़र आ रही है पानी भी नज़र आ रहा है ये सब कुछ किस को दिख रहा है पानी को दिख रहा है अब हमें मालूम ही नहीं कि हम जो है वो पानी है कॉन्शियसनेस है कॉन्शियसनेस है हम बेवकूफ़ बने बैठे हैं हमें हकीकत में कॉन्शियसनेस का पता ही नहीं है हम खुद को बॉडी समझ रहे हैं बॉडी ने मिटना ही मिटना है कॉन्शियसनेस ने नहीं मिटना आपने नहीं मिटना जिसने मिटना है ऐसे प्यार है जिस ने मिटना ही नहीं उसको आप जानते तक नहीं जिसको जानते तक नहीं वो खुद हो जिसको जानते हो वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं मिट रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स के पीछे हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं और इनको हकीकत समझ रहे हैं ये सब कुछ कंडीशनिंग की वजह से सदियों से इंसान की कंडीशनिंग इसी तरह की गई है कि वो खुद को भूल गया है क्या है बस ऑब्जेक्ट्स में उलझा हुआ है उलझे हुए हैं हम इससे निकलते ही नहीं तो खुद को कैसे समझेंगे खुद को समझ गए तो कंडीशनिंग के सारे खेल से निकल जाएंगे जिंदगी कंडीशनिंग नहीं है कॉन्शियसनेस है दुनिया की सारी कहानी कंडीशनिंग के गर्द घूम रही है इस बॉडी के अंदर क्या है मैं हूँ इस बॉडी के बाहर क्या है मैं हूँ इस बॉडी के अंदर क्या कॉन्शियसनेस है इस बॉडी के बाहर क्या है कॉन्शसनेस है इस बॉडी में जो देख रहा है वो खुदा है कायनात के ज़र ज़र्रे में खुदा खुदा के सिवा कुछ नहीं इससे इसी से मैं हूँ और मैं क्या हूँ कॉन्शियस नहीं हूँ कॉन्शियसनेस हूँ और कहाँ उलझा हुआ कंडीशनिंग में हूँ कंडीशनिंग क्या है जिस तरह मुझे बताया गया सिखाया गया ट्रेनिंग दी गई है जिस नज़र के पीछे लगाया गया है जिस ख्याल के पीछे दौड़ाया गया इसी पर लगा हुआ हूँ इसी के पीछे दौड़ रहा हूँ इसी वजह से परेशान हूँ मशाइल में हूँ इसी बाड़ी का पता नहीं इस बाडी का पता हमें किस के होने की वजह से लग रहा है खुदा के होने की वजह से बाड़ी हमें याद है खुदा भूल गया इसी वजह से मसाला है इस बाड़ी में जो कुछ भी होता है जो भी थाट चल रहे हैं किसकी वजह से इन थाट्स के होने का पता चल रहा है अवेयरनेस की वजह से इसी अवेयरनेस का नाम कॉन्शियसनेस है ये कॉन्शियसनेस का है यही तो मैं हूँ इंसान ने मेमोरी है और उस मेमोरी की वजह से जो 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 सेंसेशन ट्रिगर हो रही है वो भी नहीं हूँ मैं ना मैं फीलिंग हूँ न मैं इमोशंस हूँ ना मैं सुख हूँ न मैं दुख हूँ लेकिन मैं उलझा हुआ हूँ हु, फीलिंग में हूँ इमोशंस में सुख में दुख में खुशी में गम में मैं क्या हूँ मैं अवेयरनेस हूँ कॉन्शियसनेस हूँ थैंक यू सो मच एंड लव यू